असलम डियर फ्रेंड्स आज से हमने आगाज़ किया है सी एस एस पास्ट पेपर्स एम सिक्यूज़ की आज हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान अफ़ेयर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की एम सिक्यूज़ पोर्शन हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं सी एस एस स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियोज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको बासानी मिल सके हम आपको पिछले सालों की जितने भी एम सी क्यूज़ पोर्शन पेपर है सी एस एस के वो सारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे वीडियोस के ज़रिए क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइंट एस सी ओ एज़ अ फुल मेम्बर इन विच ईयर पाकिस्तान ने किस साल एस को एक फ़ुल मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया था द करेक्ट ऑप्शन इज नाइन जून टू नेक्स्ट है द टोटल एरिया ऑफ़ फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज़ फाटा इज़ फाटा का टोटल एरिया कितना है द करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी इसकवा किलोमीटर नेक्स्ट है द फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट दिल्ली इन पहला खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था किस द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी नवंबर 1919 नेक्स्ट है टांडा डेम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान टांडा डेम पाकिस्तान के किस सूबे में है करेक्ट ऑप्शन इज़ डी खैबर पख्तूनख्वा नेक्स्ट है द चुरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस एट चोरी चारा इन द गोरखपुर ऑन चोरी चारा गोरखपुर में कब वाक़ हुआ द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी फोर्थ फरवरी 1922 नेक्स्ट है विच पास कनेक्ट्स चित्राल विद देर इन खैबर पख्तनखवा चित्राल और देर को कौन सी पास कनेक्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा में द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी लोारी पास नेक्स्ट है द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वाज साइंड इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान किस साल मन्कद हुआ द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी दिसंबर नाइनटीन सिक्सटीन Next, the East India Company was formed through the Royal Charter from Queen Elizabeth I on East India Company Khabbanata. The correct option is A. December 31, 1600 AD. Next, the ruins of Harappa were discovered in 1921 are located in हड़प्पा की जो रोन्स है वो 1921 ट्वेंटी वन में उन्नीस सौ इक्कीस में आ, डिस्कवर हुआ था वो कहाँ पर है किस डिस्ट्रिक्ट में है द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए साहिवाल नेक्स्ट है बाज़ नाम द बुक फालकोनरी वाज अथर्ड बाय बाज नामा को किसने लिखा था द करेक्ट ऑप्शन इज डी खुशाल खान खटक नेक्स्ट है द एटीन अमेंडमेंट कमिटी हैड आओ मैनी मेम्बर्स फ्राम बोथ हाउसेज एटीनथ अमेंडमेंट कंपनी की दोनों हाउसेज से कितने मेम्बर्स थे द करेक्ट ऑप्शन इज ए ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिजन प्लान इन में से कौन सी ऐसी नुकतः है जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के ख़िलाफ़ है या करेक्ट नहीं है द करेक्ट ऑप्शन इज सी एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था नेक्स्ट है शिमला डिप्टीशन कंसिस्टिंग ऑफ थर्टी फाइव लीडर्स ऑफ मुस्लिम कम्यूनिटी मीट टू दायसराय अंडर द लीडरशिप ऑफ सरागा खान इन शिमला ऑन शिमला डिपटेशन कब हुआ जिसमें पैंतीस लीडर्स ऑफ मुसलमान थे और उनका लीडर सर आगा ख़ान था द करेक्ट ऑप्शन इज बी फस्ट अक्टूबर नाइनटीन जीरो सिक्स फस्ट अक्टूबर उन्नीस सौ छः को मिला था नेक्स्ट है द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज़ फ्रेम्ड बाई द कंस्टिट्यूट असम्बली अंडर इंडिया की जो कंस्टिट्यूशन है कंस्टीट्यूट असेम्बली में जो हुआ था किसके अंडर हुआ था दैक्ट ऑप्शन इज सी कैबिनेट मिजन प्लान ऑफ नाइनटीन फोटी सिक्स नेक्स्ट है वेन डिड चाइना साइंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद पाकिस्तान चाइना ने एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कब साइन किया द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 1963 1963 में नेक्स्ट है इन विच and Ushr एंड was promulgated? As a एज of which जक़ात एंड उशर डिपार्टमेंट came into एग्जिस्टेंस किस साल ज़क़ात और उशर Ordinance proclaimed promulgated प्रोमलगेट हुआ था और उसके नतीजे में जक़ात और उशर डिपार्टमेंट भी बना था द करेक्ट ऑप्शन इज ए नाइनटीन ऐटी नेक्स्ट है द बोगरा फार्मूला वाज प्रेजेंटेड ऑन सेवन अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी थ्री इज़ आल्सो कॉल्ड बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या है द करेक्ट ऑप्शन इज बी कंस्टिट्यूशनल फार्मूला नेक्स्ट है व्हेन डिड पाकिस्तान विटनेस द इम्पोजिशन ऑफ सेकेंड मारशा इन इट्स हिस्ट्री पाकिस्तान में दूसरा मारशा कब लगा था करेक्ट ऑप्शन इज डी नाइनटीन सिक्सटी नाइन नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट कमांडर इन चीफ वाज पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ कौन था द करेक्ट ऑप्शन रैंक मेजरवी नेक्स्ट है

Till then, Allah Hafiz.